अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ये मज़ेदार अरबी कीमा, जो कि बहुत आसान है बनाने में और खाने में काफ़ी ज़ायकेदार है। तो दोस्तों चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। देख लेते हैं इस अरबी कीमे को हम किस तरह से बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अरबी कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर तकरीबन 100 ml के करीब तेल को डालकर अच्छा गर्म कर लिया है तेज़। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ठंडा कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है तो इसकी झल निकालना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे कुछ साबुत गर्म मसाले। इसमें मैंने 1 टी स्पून जीरा लिया है, 1 बड़ी काली इलायची ली है, 2 हरी इलायची ली हैं और 2 लौंगे ली हैं और 8-10 काली मिर्चें ली हैं। गर्म मसालों को हम हल्का सा सोटे हो जाने देंगे। गरम मसाले हमारे तड़क चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, हल्की सुनहरे कलर की हमारी प्याज नहीं हो जाती। फ्लेम हमारा हाई है, हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हमारी हल्का सुनहरी हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम कीमा ऐड कर देंगे। ये हमारा हाथों का मोटा कुटा हुआ कीमा है, 1/2 kg कीमा लिया है हमने यहाँ पर। आप अरबी कीमा मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे 3 से 4 मिनट, ताकि कीमे का कलर चेंज हो जाए और दोनों चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से भून जाएं। तो ये लीजिए, 3 से 4 मिनट कीमे को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, इसका कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं कीमे का हमारे कलर चेंज हो गया है बिल्कुल। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो इसमें डालेंगे 2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर और 1/4 टी स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून भरकर डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर। अब हम अपने कीमे को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाले की सारी रॉय स्मेल खत्म नहीं हो जाती। फ्लेम हमारा हाई है, इसके अंदर अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको भूनेंगे। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक मसाला हमारा टोटली अच्छे से भुन नहीं जाता। तो ये लीजिए, कीमा हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, कीमे के साथ मिक्स हो गए हैं और कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। बस अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चें 2-2 इंच के टुकड़ों में कटी हुई, मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 250 ग्राम अरबी, जिसे मैंने मोटी मोटी स्लाइसेस में कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स देंगे। सारा सामान हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर इतना पानी ऐड कर देंगे जिसमें हमारा कीमा भी अच्छे से टेंडर हो जाए और अरबी भी अच्छे से टेंडर हो जाए। तो तकरीबन 300 ml के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और इतना पानी बिल्कुल इनफ रहेगा हमारी दोनों चीज़ों को टेंडर होने के लिए। बस अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें तकरीबन 4 से 5 विसल लगा लेंगे, जिससे हमारी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगी। 5 प्रेशर आ चुके हैं कुकर में हमारे, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और प्रेशर को आउट कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं, कीमा हमारा परफेक्टली कुक हो चुका है और साथ में अरबी भी हमारी अच्छे से टेंडर हो गई हैं और बिल्कुल खुश्क कीमा बना है जैसा हमें चाहिए था, पानी भी नहीं है बिल्कुल भी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे हम इसके अंदर धनिया पत्ती। कीमा हमारा रेडी है, अब हम इसको मिक्स करके कर लेते हैं डिश आउट। तो
तो दोस्तों तैयार है हमारा ये अरबी कीमा। आप इसे सर्व कर सकते हैं किसी भी तरह की रोटी के साथ, पराठों के साथ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और फटाफट तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो आप इसे बना सकते हैं, अपने डिनर मेन्यू में इसको शामिल कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर हाज़िर होती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।